कुछ नया आप देखेंगे। उससे पहले मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। This is my YouTube channel. This is the icon of YouTube channel. Please subscribe it again once. Okay. Now let's see next point. Last session में हमने ये देखा था कि basic tags क्या होती है और उस पर भी आज हम एक special tag करेंगे working with images। अब हर एक चीज़ हमें इससे ये करना है, देखना है कि क्या होती है इमेज, कैसी होती है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, कैसे हम इसे इंसर्ट करते हैं वेब पेज में, क्या है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सब चीज़ें हम अभी इस सेशन में हमें देखना है। देखो अब फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि हर टैग के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपना जो भी वेब पेज बनानी है या वेब पेज बनाना है वो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बन। आपको मालूम है हमारे सिंपल और वर्ड और वेब में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में हम सिर्फ कुछ चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट में हम कुछ ग्राफिक्स या ऐसे कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते, लेकिन वेबसाइट वेब पेज के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। इमेज के ऊपर टेक्स्ट अच्छे से लिख सकते हैं, वीडियोस के ऊपर टेक्स्ट ले सकते हैं, सब कुछ। वैसे ही हम आज ये टॉपिक देखने वाले हैं वर्किंग विद इमेज, कैसे इमेज इंसर्ट करनी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ये सब अभी इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा। सी फर्स्ट नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज, सॉरी देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग कैसी होती है आपको तो मालूम है, लास्ट ईयर भी आपने देखा है कि इमेज टैग कैसी होती है, उसके बाद हम कैसे इसके इंसर्ट होता है, लेकिन इस साल हम अच्छे से देखेंगे विथ देयर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि हर चीज़ कैसे डेकोरेट करना है, जैसे हम टेक्स्ट डेकोरेट करते हैं वैसे ही इसको डेकोरेट करना है, ऐसे देखेंगे आप हर समय पे। ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। फर्स्ट सी व्हाट इज दैट एसआरसी, एसआरसी मींस व्हाट, इट स्पेसिफाइज द यूआरएल और पाथ ऑफ द इमेज। यूआरएल इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर से एक बार देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका मतलब है आपकी इमेज कहाँ पे प्रेजेंट है उसी इमेज का एड्रेस वहाँ पे लिखना होता है, दैट्स व्हाई इट इज एसआरसी मींस रिसोर्स। सोर्स फाइल कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे देखो कुछ फाइल डेस्कटॉप पे होती है, कुछ फाइल अपने ड्राइव में होती है, फोल्डर में होती है, उसका पाथ हमें लिखना होता है, दैट्स व्हाई दैट इज द यूआरएल और पाथ ऑफ दैट इमेज, पर्टिकुलर इमेज की। इसे सो फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है एसआरसी, एसआरसी से अगर एसआरसी नहीं लिखा है तो आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होती, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है ये देखिए कौन सी है, ये अलाइन, आपको मालूम है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइन, देर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइन, कौन से होती है, सेंटर लेफ्ट राइट और जस्टिफाई, कौन सी सेंटर लेफ्ट राइट और जस्टिफाई, यहाँ पे वो नहीं यहाँ पे अलग होती है, टॉप मिडल लेफ्ट राइट और बॉटम, कौन सी होती है टॉप मिडल लेफ्ट और राइट। सो सी इट स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट एंड अनदर सराउंडिंग एलिमेंट, जो भी वहाँ पे हमारे प्रोग्राम में है उसको कौन सी बाजू में
लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है, टॉप में लेना है, मिडल में लेना है या बॉटम में लेना है, वो तय करेगा ये एट्रीब्यूट्स, दैट इज द अलाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट है बिजी कलर। आपको मालूम है जब हम पेंटिंग करते हैं, जब हम ड्राइंग करते हैं, तो हम कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं तुम्हारे पिक्चर के नीचे, रहता है कभी कभी ऐसा, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें ऊपर कुछ अलग से इमेज निकालनी है, कुछ तस्वीर निकालनी है, तो उसके नीचे हम अलग से बैकग्राउंड कलर देते हैं। वैसे हमें अगर पेज अपना कलरफुल दिखाना है तो उसे हम कलर देंगे, दैट इज द बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर है, बैकग्राउंड कलर। सी बिजी कलर मीन्स व्हाट, इट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज, आपके पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो दिखाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये है हाइट। इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज, आपको मालूम है लंबाई और चौड़ाई ये दो होती है, कि आपकी इमेज की हाइट कितनी चाहिए। अगर पेज की बहुत बड़ी हो गई तो भी दिखाई नहीं देगी, और छोटी होगी तो भी दिखाई नहीं देगी, तो हमें उसकी हाइट स्पेसिफाई करना है कि कितनी बड़ी हो या छोटी हो। ये है जैसे हमारा फोटो होता है, फोटो की साइज आपको मालूम है 4x6, 7x12 या 12x18 या 12x36, ऐसे फोटो होते हैं ना, जो हमारे जनरल फोटो होते हैं जब हम फोटो स्टूडियो में निकालते हैं, बड़ा फोटो छोटा फोटो जैसे वैसे। उसके साथ है ये विड्थ, इसका मतलब क्या है, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ इमेज, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड करेगा। ये दो है, जैसे मैंने बोला था इसके पहले कि आपकी जो जनरल फोटो होते हैं, जो फोटो स्टूडियो में निकलती है, वो सबसे छोटी साइज रहती है पासपोर्ट फोटो, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी होती है अपनी आइडेंटिटी फोटो, उसके बाद उससे बड़े अगर लेना है थोड़ा से तो 4x6। ऐसे हम इस दो ऑप्शन यूज करके हमारे फोटो की साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉर्डर। आपको मालूम है जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं, और इमेज की विड्थ की साइज ड्रॉ करते हैं, ये मालूम है आपको। नाउ यही बॉर्डर है कि बॉर्डर कैसे करना है, वही इट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द इमेज, मतलब बॉर्डर कितनी बड़ी छोटी है वो तय करे, कौन सी बॉर्डर चाहिए आपको, ये बॉर्डर बनाएंगे। जैसे हम फ्रेम बोलते हैं, सबसे सिंपल जो हमारे फोटो उस फ्रेम में हम बिठाते हैं और उसको डेकोरेट करके रखते हैं, वैसे ही हम हमारे इमेज वेब पेज पे कैसे दिखना चाहिए और बॉर्डर कौन से, उसके लिए हम क्या यूज करना है, बॉर्डर। सी नेक्स्ट अल्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम है अल्ट क्या होता है। अल्ट का मतलब है अल्टरनेट, अल्ट का मतलब क्या है, अल्टरनेट। समझो अगर आपकी इमेज आपने डाल दिया वहाँ पे, अगर इमेज नहीं ओपन हुई, उसके अलावा क्या ओपन हो जाएगा, इट स्पेसिफाइज अल्टरनेट टेक्स्ट इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, अगर आपकी इमेज दिखाई नहीं दे रही पेज पे, तो उसके अलावा जो भी टेक्स्ट हम अल्ट पे लिखेंगे वो टेक्स्ट कहाँ पे दिखाएगा, उस इमेज बॉक्स में, जो कि इमेज डिस्प्ले नहीं होती एक्चुअल, उस इमेज में वो दिखाई देगा, इसे कहते हैं अल्ट। ओके, इतने हैं ये एट्रीब्यूट्स, है समझ में, यह है इमेज के बारे में, इतने एट्रीब्यूट्स हमें देखना है, देखिए। ओके, नाउ यहाँ तक समझ में आया सभी को, अभी हम इस पूरे एट्रीब्यूट्स कैसे यूज होता है वो देखेंगे। चलो बताऊंगा आपको, ये देखो ये है नोटपैड, नोटपैड कैसे ओपन करना पता है सभी को, मैं बताता हूँ, इस पर जाना है और प्रोग्राम, इसमें देखिएगा आपको ये नोटपैड दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करो, इस देखो ये ऑलरेडी मैंने बनाया प्रोग्राम, इसलिए डायरेक्टली ओपन हो चुका है। ओके, नाउ सी हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम, चेक करो एक बार, ये इंपॉर्टेंट HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, ठीक है, दे रही है,
इंसर्टिंग इमेज, उसके बाद टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शुरू हो गई अपनी बॉडी, बॉडी के बाद ये देखो बैकग्राउंड ये लिया है आप, मैंने ये देखो एक अलग से है बैकग्राउंड। यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज भी ले सकते हैं और कलर भी ले सकते हैं, तो मैं पहले आपको बताऊँगा बैकग्राउंड इमेज कैसे लेनी है। वो देखो ये है इमेज, दिखा दे रही आपको ये जो नाम है ये इमेज का नाम है 13, मैं दिखा तो आपको कहाँ पे है ये डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है। ये देखो ये 13 नाम दिखा दे रहा है, ये देखो ये जो है 13 ये इमेज का नाम है। अब देखो ये, और उसके साथ JPG एक्सटेंशन, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो गए, अभी देखो ये फॉन्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो फॉन्ट कलर कौन सा है, येलो, साइज कितनी है 7, इसका मतलब सबसे ज़्यादा साइज है यहाँ पे। उसके बाद साइज हो गई 7, उसके बाद फेस यानी कि स्टाइल कौन सी है, मैंने लिया है एरियल ब्लैक, यानी कि ये पूरा ब्लैक में आ जाएगा, बड़े बड़े अक्षर में आ जाएगा। ये जो पैराग्राफ है ये पूरा उसी के साथ, ये जो दिए ना फॉन्ट कलर साइज और फेस, ये एट्रीब्यूट्स है फॉन्ट्स। उसके बाद ये देखो ये फॉन्ट टैब क्लोज और ब्रेक, ये ब्रेक BR का मतलब तो मालूम है आपको कि ब्रेक करना है उसको। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ये ध्यान दो, ये इमेज SRC, इमेज टैग हो गई और SRC क्या है इसका एट्रीब्यूट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। उसके बाद इक्वल साइन देना है, इक्वल साइन देने के बाद आपको जैसे ऊपर एक इमेज ली थी वही देखो, ये डबल कोटेशन, उसके साथ है इमेज का नाम FL, ये मैंने इमेज का नाम दिया है, कहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी डेस्कटॉप पे रखा है मैंने आपके, इसमें जो भी इमेज है उसका नाम देखो यहाँ पे, ये है इमेज का नाम FL और JPG फॉर्मेट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है FL.JPG। अगर आपके डेस्कटॉप या अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप उस डेस्कटॉप पे जो भी नाम दोगे वो नाम यहाँ पे देना, उसके साथ .JPG ये कंपलसरी है। उसके बाद ये देखो ये डबल कोट कंप्लीट, अभी यहाँ से स्टार्ट होता है ये देखो हाइट, आपको हाइट कितनी चाहिए ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 200 लिया है मैंने। उसके बाद ये अलाइन किया है कहाँ पे इमेज चाहिए, राइट या लेफ्ट, ये आपको बताऊंगा राइट या लेफ्ट, मैंने यहाँ पे राइट लिया है राइट साइड को। उसके बाद ये इसकी विड्थ है वो भी है 200 ली है। उसके बाद ये बॉर्डर, ये बॉर्डर की साइज देखिएगा, थिकनेस होगा ये बॉर्डर का कितनी बड़ी चाहिए। उसके बाद ये देखो मैंने आल्ट लिया है सी, आल्ट में मैंने लिखा है दिस इमेज इज नॉट अवेलेबल, अगर ये इमेज का नाम यहाँ पे गलत होता है बाय मिस्टेकली तो आप उस इमेज बॉक्स के अलावा ये आपको दिखाई देगा उस बॉक्स में, दिस इमेज इज नॉट अवेलेबल। ओके अंडरस्टूड अबाउट दिस, नाउ सी सेम यहाँ पे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कटिंग कर देता हूँ। ओके चलो डिलीट कर दिया पहले, ये समझ में आ रहा है, ये डिलीट हो गया। अब ये सब लिखा है, आप ये बॉडी टैग क्लोज कर दी, HTML टैग ये इम्पोर्टेंट है क्लोज करना सबसे, और उसके बाद ये है सेव, सेव करते समय आपको सेव करना है इमेज, जो भी फाइल का नाम दोगे आप वो फाइल का नाम उसके साथ डॉट क्या देना है डॉट HTML। अगर उसके बाद कहाँ पे सेव कर रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखो ये मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे किया है, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये सेफ जगह है, जहाँ पे अपने को सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हो। ओके मैंने डेस्कटॉप पे किया है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यस बोलो हो गया। अब ये समझ में आ रहा है अच्छे से कि हमने ये प्रोग्राम किया है, इमेज टैग यूज़ किया है, उसके बाद SRC एट्रीब्यूट यूज़ किया है, हाइट की है, अलाइन की है, विड्थ की है, बॉर्डर की है, ये सब किया है। अब इसको रन करके देखेंगे हम क्या आता है, ये इमेज दिखा दे रही है जो हमने सेव की फाइल, उसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको ये देखो ये बैकग्राउंड इमेज डाली है मैंने, जो हमने 30 नंबर की इमेज ली थी ना ये बैकग्राउंड इमेज, और ये इम्पोर्टेंट इमेज इंसर्ट की थी ये इमेज देखो, ये जो है ना इम्पोर्टेंट ये है इमेज, और ये देखो बॉर्डर, और जो कलर हमने फॉन्ट में लिया था येलो कलर आ गया येलो। उसके बाद साइज सबसे बड़ी 7,
ये ली थी बड़ी। ओके अब ये समझ में आ रहा है, तो मैं अभी इसे चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको सभी को क्या क्या चेंज होता है। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अलावा हम कलर लेंगे, क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है कलर को, बिजी कलर। ओके कौन सा कलर, बिजी कलर। और यहाँ पे हम इस इमेज के अलावा हम क्या लेंगे, रेड कलर नीचे लेंगे, कौन सा कलर, रेड कलर। ओके जो मैंने यहाँ देखो ये बिजी लिया, उसके बाद कौन सा कलर लिया, रेड कलर। अब यहाँ पे 7 है तो हम थोड़ी साइज उसकी कम करेंगे, यहाँ पे 6 लिखो। ओके यहाँ पे एरियल है ब्लैक है, थोड़ा सा हम कम करेंगे, एरियल ही रखेंगे। ओके अब नीचे आ जाइए, ये इमेज, ये जो बॉर्डर की साइज बहुत बड़ी हो रही थी उसको थोड़ा कम करो, 10 लगाओ, ये देखो। और ये इसकी साइज जितनी है उतनी रह सकती है। अब देखो इसे फिर से सेव करो, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने फिर से ओपन करने की जरूरत है। ओके अंडरस्टूड अबाउट दिस, ये दिखाई दे रहे। अब टेक्स्ट बड़े छोटे हो गए, बैकग्राउंड कलर कौन सा आ गया, रेड कलर आ गया। उसके बाद इमेज यहाँ पे है, कौन सी है, राइट अलाइनमेंट। अगर हम फिर से एक बार रखो यहाँ पे, अगर अलाइनमेंट चेंज होती है, देखो यहाँ पे चेंज करो, मिडल लो, लिया, फिर से सेव करो, तो आपको अब इमेज कहाँ पे दिखाई देगी, अभी मिडल में, चेको इसको। ओके आगे यहाँ पे मिडल की जो पेज होता है अलग से होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये आपको चेंज नहीं, लेफ्ट में लो, ये लेफ्ट पे जैसे है वैसे आ जाएगी। ओके अभी से यहाँ पे लेफ्ट पे आ गई। अब ये इमेज चेंज करना है, मुझे क्या करना है, ये इमेज नहीं चाहिए, जो मेरी इमेज खुद की इमेज थी मैं वहाँ पे डालूँगा, वो है 13 नंबर। कौन से नंबर है, 13, ये देखो इमेज के लिए 13 नंबर थी, मैं वो नहीं इमेज डालूँगा। अभी देखो वो इमेज आएगी क्या नहीं देखेंगे। ओके ये समझ में आएगा, गुड आया समझ में, यस। लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन वेब पेज, ओन डिजाइन, एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ इमेज। अगर देखो अभी एक इमेज हो गई, मुझे क्या करना है, इसे दो चार इमेज और लेने हैं एक साथ या अलग अलग। अभी यहाँ पे सेम है, इसे कॉपी करो। ओके इसे कॉपी करो, नीचे आ जाओ, पेस्ट करो, यहाँ पे इमेज का नाम चेंज करो, कौन सी लेनी थी हमने, FL की जगह फ्लावर लो, है कि इमेज। देखो ये इमेज सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखने की वजह से ये लिया है। तो देखो एक बार डेस्कटॉप पे है क्या इमेज, वो है क्या, कौन सी, ये है और ये फ्लावर है। ओके तो हम फ्लावर लेंगे, यहाँ पे लिखो FLOWER, जो नाम है वही नाम देना, ध्यान देना है, और कोई नाम दिया तो गलत हो जाएगा। ये फ्लावर हो गया, यहाँ पे अलाइन हम लेफ्ट की वजह से राइट लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इमेज लेफ्ट पे है उसे राइट में लेंगे। ओके चलो फिर सेव करो इसे, सेव करने के बाद मैंने ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। ओके स्टूडेंट देखो ये दो इमेज आ गई, आया समझ में। ऐसे हम बहुत सारे इमेज डाल सकते हैं अपने वेब पेज में। अभी ऐसी चीज़ें हम MS Word जो वर्ड है उसमें नहीं कर सकते, समझ में आ रही, ये हम ऐसे चीज़ें MS Word में नहीं कर सकते, ये चीज़ें हम वेब पेज के माध्यम से, HTML लैंग्वेज के माध्यम से अच्छी तरह से कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, ये सब कुछ। और एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये मैं फिर से, और मैं दिखाता हूँ आपको इमेज बड़ी कैसी होने, उसकी हाइट वेट तो अगर बढ़ा दी तो कितनी बड़ी छोटी होती है, देखो। और इमेज का नाम अगर गलत आया हम क्या करेंगे, अभी ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है एक्चुअल नाम है, इसका नाम हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, लेकिन हमारे इसमें डेस्कटॉप पे 1 है क्या, नहीं है, तो हम इस पर क्या मैसेज आता है ये देखो, जैसे वो अल्ट यूज़ किया है हमने इसके बारे में, देखो ये यूज़ किया है अल्ट, ये मैसेज आता है क्या नहीं देखिए, क्योंकि यहाँ पे इमेज का नाम 1 लिया है जो हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है,
उसे सेव करो। सेव कर दिया, अब इसे ऑलरेडी ओपन है तो रिफ्रेश करता हूँ। देखो व्हाट इज द मैसेज, दिस इमेज इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है कि हमारा अगर इमेज का नाम गलत हुआ, इमेज का पाथ गलत हुआ या ये गलत हुआ तो ये हम अल्टरनेट मैसेज यूज करते हैं। ऐसे चीज़ें हमने आपने भी कभी कभी इंटरनेट पे देखे होंगे, अगर कोई इमेज ओपन नहीं होती उसके अलावा ऐसा मैसेज आता है, ये मुझे सभी को मालूम होगा। ओके सो आई होप एवरी वन ईजिली अंडरस्टैंड all these things easily understood by me through my this YouTube channel. Okay, so next video I will show you next program with different types of tags, attributes and query important things regarding our HTML language. So ये बहुत ही अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। ऐसे आप खुद के इमेज डाल के बहुत सारे ऐसे वेब पेज बना सकते हैं और उसमें हम एक खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। चलो तो दोस्त स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दो, इसको प्रैक्टिस करो और खुद के वेब पेज बनाना सीखो और उसमें आपकी इमेज डालना सीखो। ओके थैंक यू।